वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर साहिल रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है मिक्सड इकोनॉमी। जी हाँ दोस्तों, आज हम डिटेल में जानेंगे कि भैया मिक्सड इकोनॉमी कहते किसको हैं, और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि इंडिया एज अ मिक्सड इकोनॉमी, ठीक है, भारत को भी मिक्सड इकोनॉमी कंसिडर किया जाता है। 1947 से पहले जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में राज कर रहे थे तो हमारी इकोनॉमी जो थी वो कैपिटलिस्टिक थी, या मार्केट इकोनॉमी भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन देश की आज़ादी के बाद हमारी जो इकोनॉमी थी वो मिक्स्ड इकोनॉमी बन गई। तो भैया मिक्स्ड इकोनॉमी एक्चुअली होता क्या है उसको डिटेल में जानते हैं, आइए शुरुआत करते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी को चलिए लेमैन के टर्म्स में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इकोनॉमी बेसिकली दो तरीके की होती है, एक होती है मार्केट इकोनॉमी, ठीक है, जिसे हम कैपिटलिस्टिक भी बोलते हैं, दूसरी होती है प्लान्ड इकोनॉमी जिसे हम सोशलिस्टिक भी बोलते हैं, ठीक है। अब मिक्स्ड इकोनॉमी मिक्स्ड इसलिए है क्योंकि इसमें कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक दोनों को मिला करके बनाया गया है, यानी मार्केट और प्लान्ड इकोनॉमी दोनों को मिला करके जो इकोनॉमी बनाई गई है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। 1947 से पहले इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो एक कैपिटलिस्टिक या मार्केट इकोनॉमी हुआ करती थी, लेकिन उस समय हमारी इकोनॉमी को ये कंसिडर किया जाता था कि इंडिया की इकोनॉमी एक स्टैगनेंट इकोनॉमी है, मतलब उसमें कोई ग्रोथ व्रोथ नहीं हो रहा, और प्लस बैकवर्ड है, मतलब जिस स्पीड से चलना चाहिए उससे बहुत पिछड़ी हुई इकोनॉमी हो गई है। तो भाई मिक्स्ड इकोनॉमी को जो बनाया गया और लागू किया गया 1948 में इंडिया के अंदर, उसका मेन उद्देश्य ये भी था कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको तेजी से बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो इसके आगे सबसे पहला पॉइंट ये कहा जा रहा है कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी है ये एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहां दोनों स्टेट और प्राइवेट सेक्टर डायरेक्ट द इकोनॉमी। स्टेट का मतलब हो गया सरकार, और प्राइवेट सेक्टर आप जानते हैं कि सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर के काम करते हैं। कैपिटलिस्ट में सिर्फ प्राइवेट सेक्टर होते हैं और सोशलिस्ट में सिर्फ और सिर्फ सरकार कंट्रोल करती है सारी चीजों को, लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी में सरकार भी सेम काम कर सकती है और प्राइवेट सेक्टर भी मिलकर के वो काम कर सकते हैं। जैसे आप समझते हैं कि रेलवे इंडिया की अंडरटेकिंग है, ठीक है, रेलवे जो है वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग की कैटेगरी में आता है। आपने सुना होगा कि रेलवे के बहुत सारे ट्रेन्स को प्राइवेटाइज कर दिया गया, ठीक, वैसे ही पहले बीएसएनएल होता था जो पूरा का पूरा गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, वीएसएनएल गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, एमटीएनएल ये सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, तब प्राइवेट कंपनीज काम नहीं करती थी। लेकिन बीएसएनएल तो आज भी है, और बीएसएनएल के साथ साथ आपने देखा होगा जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन आइडिया हो गया, तो सरकारी के साथ साथ प्राइवेट लोग जब काम करते हैं तो उसे हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। आगे इन्होंने बोला कि रिफ्लेक्टिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मार्केट इकोनॉमीज एंड प्लान्ड इकोनॉमीज, क्योंकि ये मिक्स्ड है और इसमें दोनों के गुण हैं तो इसीलिए दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती हैं, मार्केट इकोनॉमीज के भी शो करते हैं यानी कैपिटलिस्ट के भी शो करती है, यानी प्राइवेटाइजेशन भी शो करती है यानी प्राइवेट लोग भी वही काम कर सकते हैं जो प्लान्ड इकोनॉमीज में सरकार कर सकती है। सेकेंड पॉइंट कह रहे हैं मोस्ट मिक्स्ड इकोनॉमीज कैन बी डिस्क्राइब्ड एज मार्केट इकोनॉमीज, ज्यादातर जो मिक्स्ड इकोनॉमीज होती हैं उसे मार्केट इकोनॉमीज विथ स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी ओवरसाइट। इन्होंने कहा कि जो ज्यादातर मिक्स्ड इकोनॉमीज होती है उसको हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो मार्केट इकोनॉमी है, वहां चीजें ज्यादा प्राइवेटाइज्ड हैं, लेकिन सरकार का हर एक चीज के ऊपर रेगुलेशन है, सरकार का हर एक चीज के ऊपर कंट्रोल है। आजादी मिली है काम करने की, वेरी गुड, लेकिन कौन कंट्रोल कर रहा है उसको, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, ठीक है। इन एडिशन टू हैविंग अ वेराइटी ऑफ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एस्पेक्ट्स, ठीक है, सरकार भी प्राइवेट लोगों को हेल्प करती है, सरकार टैक्स में छूट दे देती है, सरकार फंडिंग दे देती है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, एनजीओस को भी सरकार की तरफ से फंड्स मिलते हैं ताकि वो सरकार के बिहाफ पे जाकर के ग्राउंड लेवल पे काम कर सके। तो आप समझ रहे हैं ना कि मिक्स्ड इकोनॉमी को ये कह सकते हैं कि ये मार्केट इकोनॉमी है लेकिन इसका स्ट्रॉन्ग कंट्रोल सरकार के पास है। आगे कहा जा रहा है कि जो कॉन्सेप्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी का, ये एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसके अंदर जो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट है वो अचीव किया जा सके, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी प्रोवाइडेड द फ्रेमवर्क अंडर विच द टास्क ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट वॉज टू बी अचीव्ड, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने कहा, अच्छा इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो भाई इसमें आप जानते हैं कि कैपिटलिस्ट है यानी मार्केट इकोनॉमी है जिनका मेन काम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो प्रॉफिट आप मैक्सिमाइज करोगे तो भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। सोशल डेवलपमेंट कैसे हुआ, क्योंकि सरकार है, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस कंट्रोल है हर एक चीज के ऊपर, और सरकार हमेशा अपने रिसोर्सेज को सोसाइटी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करती है, तो भाई उससे सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। तो मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसा फ्रेमवर्क है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एक तरीके का फ्रेमवर्क है जो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट दोनों अचीव करने में मदद करता है। आगे इन्होंने बोला कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी है मीन्स को एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर इन द नेशनल इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी एक
का मतलब इन्होंने बताया है कि जिसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों नेशनल इकोनॉमी में को एग्जिस्ट करते हैं, साथ में रहते हैं। अब बात करते हैं व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमी इज इंडिया। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि 1947 से पहले, जब अंग्रेज हमारे देश में शासन कर रहे थे, आजादी से पहले का समय था, हमारी इकोनॉमी कैपिटलिस्टिक थी। ठीक है, लेकिन आजादी के बाद, क्योंकि हमारी इकोनॉमी को बैकवर्ड और स्टैग्नेंट इकोनॉमी बोला गया था, हम लोग बहुत पिछड़े हुए थे और हमारी इकोनॉमी में किसी तरीके का कोई ग्रोथ नहीं हो रहा था, तो हमारी इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी बनाया गया। इन्होंने कहा कि इंडिया हैज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी, आज भी मिक्स्ड इकोनॉमी है, इसीलिए पब्लिक और प्राइवेट एंटिटीज को एग्जिस्ट करती हैं, मतलब साथ में रहती हैं। इन्होंने कहा दिस इज एज अ रिजल्ट ऑफ अडेप्टिंग द इंडस्ट्रियल पॉलिसीज इन 1948 एंड लेटर इन 1956। तो ये नतीजा है इंडस्ट्रियल पॉलिसीज 1948 और 1956 को अडॉप्ट करने का। आगे इन्होंने बोला, हाउएवर दे डू नॉट ऑपरेट फ्रीली, ये फ्रीली ऑपरेट नहीं करते, इंस्टेड ये अलग अलग मैकेनिज्म द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं और नॉर्मली सरकार ही कंट्रोल करती है इनको, जैसे पॉलिसीज इंप्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट, सरकार जो पॉलिसीज बनाती है, इंप्लीमेंट करती है, उसके द्वारा ही कंट्रोल होते हैं। आगे इन्होंने बोला, मोर ओवर गिवन द स्टैग्नेशन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी अंडर इंपीरियल रूल, इंपीरियल मतलब सरकार, वो जो ब्रिटिशर्स का रूल था ना, इंपीरियल रूल, तो हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो गई, स्टैग्नेशन हो गया, ठीक है, रुक गई, वो ग्रोथ नहीं हो रहा था उसमें। इट अडॉप्टेड न्यू पॉलिसीज टू एनहांस द इकोनॉमिक ग्रोथ, तो नई पॉलिसी अडॉप्ट की गई, भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, तो भाई देश को आगे बढ़ाने के लिए नई इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई, देयर बाय लेइंग डाउन द ग्राउंड वर्क फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो एक ग्राउंड वर्क तैयार किया गया जहां पे साइंटिफिकली इंडिया डेवलप करे, इंडस्ट्रियल के थ्रू इंडिया डेवलप करे और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो सके। आगे कहा जा रहा है कि भाई जब हमारा देश आजाद हुआ था, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिया की जो जीडीपी थी वो 2.7 लाख करोड़ थी, ठीक है, सिर्फ 2.7 लाख करोड़ थी जब हमारे देश को आजादी मिला था, लेकिन 74 इयर्स के बाद, यानी 2021, पिछले साल 2021 में, इंडिया की जो जीडीपी है वो 135.13 लाख करोड़ पहुंच गई, 2.7 लाख से बढ़कर के 135.13 लाख करोड़ पहुंच गई, और इंडिया की जो इकोनॉमी है वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर के साबित हुई। इन्होंने बोला मेकिंग इंडिया एज वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, तो दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज में इंडिया भी एक इकोनॉमी है और टॉप 10 इकोनॉमीज में इंडिया भी आती है, वर्ल्ड की जो टॉप 10 इकोनॉमीज है ना, वहां पे भी इंडिया आती है। दोस्तों आई होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई ये मिक्स्ड इकोनॉमी होता क्या है, और साथ ही साथ आप ये भी जान रहे होंगे कि भाई इंडिया एज अ कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल पे बने रहिए, आने वाले समय में आपको और भी वीडियोस मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।